आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12X Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉन्फ्रेंस कॉल आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का ना ये जो कॉलिंग का ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को ना ओपन करना है, यानी कि डायल पैड ओपन करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको जो ना एक नंबर यहाँ पे एंटर करना है, यानी कि नंबर एक डायल करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं एक नंबर यहाँ पर जो है डायल कर लेता हूँ। अब देखिए, जो ये नंबर मैंने डायल किया ना, अभी सामने वाला पर्सन जब जो कॉल को रिसीव लेता है, तब मैं आपको आगे का प्रोसेस है यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा कॉल जो है वो रिसीव हो चुका है, और यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि आपका ये जो नीचे ऐड कॉल का ऑप्शन है ना, ऐड कॉल पे टैप करना है। ठीक है, आपका फिर से जो है डायल पैड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है ना दूसरा नंबर एक डायल करना है, कोई भी दूसरा नंबर। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर जो है कस्टमर केयर नंबर डायल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ये दूसरा नंबर भी डायल कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना ये दूसरा नंबर भी जब रिसीव कर लेगा ना कॉल को, जैसे ही देखिए यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाएगी ना, तब ये रिसीव कर लेगा। तो मैं आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो देखिए, हमारा जो ये कॉल है वो रिसीव हो चुका है। ठीक है ना, और ये काउंटिंग चालू हो गया। अब आपको करना क्या है, नीचे मर्ज कॉल का ये ऑप्शन शो हो जाता है आपका, इस मर्ज कॉल के ऑप्शन पे टैप करना है। तो यहाँ पर एक सिंगल टैप करेंगे तो आपका ये जो कॉल है वो कॉन्फ्रेंस कॉल में इस तरीके से बदल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है इजिली जो है कॉन्फ्रेंस कॉल अपने फोन में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल में बातें बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल में ना जब भी आपका कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, तो इसमें आपका जो है ना कोई भी पर्सन होल्ड पे नहीं रहता है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पर जो है ये दो जो नंबर मैंने डायल किए हैं, ये दो नंबर और एक मैं खुद हो गया, हम तीनों लोग मिलके एक ही कॉल लाइन पे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी बात बोलेंगे तो वो सबको सुनाई देगा। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी पर्सन होल्ड पे नहीं रहता है। आप चाहे तो कॉन्फ्रेंस कॉल में जो है जो नंबर की जो संख्या है ना वो आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर आप दो ही नंबर डायल कर सकते हैं, आप चाहे तो तीसरा नंबर भी डायल कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सिंपली ऐड कॉल पर टैप करना है, और जब तीसरा नंबर कॉल रिसीव कर लेगा तो आपको जो है मर्ज कॉल पर टैप करना है। ऐसे ही दोस्तों आपको कॉलिंग की संख्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप जो अपने फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। ठीक है।